चार फास्ट बॉलर, चार फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, दो स्पिनर, दो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, दो विकेट कीपर और बाकी बल्लेबाज। ये हम बात कर रहे हैं 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया एक टीम की। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है और उसका व्यू रचना यही है जो हमने आपको बताई। और ये टीम 2010 में आपको याद होगा फाइनल में पहुंची थी, रनर्स अप थी, तब इंग्लैंड की टीम से इसको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2021 में ये टीम चैंपियन बनी। और अब इस टीम का जो ऐलान किया गया है काफ़ी मुस्तैद, काफ़ी शानदार टीम है। अगर चार फास्ट बॉलर्स अगर हम देखें तो जैसा कि आप जानते हैं पैट कमिंस जो कि लेकिन वो टीम की कप्तानी नहीं कर रहे हैं, मिचेल मार्श जो है वो टीम की कप्तानी कर रहे हैं, और पैट कमिंस के बाद मिचेल स्टार, जोश हेजलवुड, ये तीन फास्ट बॉलर, और चौथे फास्ट बॉलर नाथन एलिस जो डेथ ओवर्स के फनकार माने जाते हैं, बहुत किफायती गेंदबाजी करते हैं। तो ये चार फास्ट बॉलर टीम में शामिल हैं। उसके अलावा जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं उसमें मार्कस स्टाइनर्स और कैमरून ग्रीन, और अगर आप इसमें मिचेल मार्श को भी गिन लें जो कि पार्ट टाइमर है, तो तीन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाते हैं। विकल्पों की कमी नहीं है ऑस्ट्रेलिया टीम के पास। स्पिनर्स में एश्टन एगर को, क्योंकि वहां की विकेट जो है बहुत स्लो विकेट है और गेंद टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी धीमी रहती है, और वहां पर एश्टन एगर जो कि बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं काफी कारगर साबित हो सकते हैं। और लेग स्पिनर एडम जेम्पा है दूसरे स्पिनर के तौर पर। और अगर हम स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल जो है वो यहाँ पर आपको स्पिन बॉलिंग की कमान जो है बतौर ऑलराउंडर संभालते हुए आपको दिखाई देंगे। वैसे एश्टन एगर भी बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं, टेस्ट क्रिकेट में तो 90 प्लस की वो एक पारी भी खेल चुके हैं। और उसके अलावा दो विकेट कीपर मैथ्यू वेट से तो भाई किस तरह की बल्लेबाजी वो करते हैं ये तो आप पाकिस्तान से पूछिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उनकी वाट लगाई थी, जिस तरह से खूब रन बनाए थे उन्होंने उनके सामने, एक बेहतरीन बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज। और जोश इंग्लिश जिन्होंने भारत के खिलाफ भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था भारत के खिलाफ सीरीज में। और इसके अलावा जो है ओपनर जो है अब देखना होगा कि ट्रेविस हेड के साथ ओपन कौन करता है। वैसे तो डेविड वार्नर भी टीम में है, लेकिन डेविड वार्नर अभी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है, उनको इंतजार किया जा रहा है उनकी फिटनेस लेवल उनका कैसा रहेगा, वर्ल्ड कप तक क्या पूरी तरह रिकवर हो जाएंगे। अगर वो नहीं हो पाते तो मिचेल मार्श ये मानकर चलिए कि पारी की शुरुआत करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो क्या विस्फोटक सलामी जोड़ी रहेगी मिचेल मार्श एक तरफ और दूसरी तरफ ट्रेविस हेड, और भारतीय क्रिकेट प्रेमी तो उनको सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए देख चुके हैं। एक मौके पर तो उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ 125 रन की पावर प्ले में धमाकेदार भागीदारी की थी। और ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श भी मध्यक्रम में आना चाहते हैं, मध्यक्रम को मजबूत करना चाहते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि कैमरून ग्रीन जो कि पारी की शुरुआत करते रहे हैं और साथ ही मैथ्यू वेट ये भी पारी की शुरुआत कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ट्रेविस हेड का जोड़ीदार बन सकता है, पार्टनर बन सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस देखना है मिचेल मार्श होंगे या डेविड वार्नर होंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन वो काम चलाओ अरेंजमेंट है जो मैंने आपको दोनों विकल्प दिए। मैं टीम पढ़ देता हूं जल्दी से आपको ऑस्ट्रेलिया की, और आप उसे कहां तक आंकते हैं ये भी इस बारे में जरूर बताएं, क्योंकि इस टीम के पास अब इतना टैलेंट है कि मैकगुर्क जो कि दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी हैं, फ्रेजर मैकगुर्क, उनको टीम में जगह नहीं दी गई है। टीम है ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंग्लिश, टीम टिम डेविड, मैथ्यू वेट, पैट कमिंस, नाथन एलिस, एडम जेम्पा, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टाइनिस, एश्टन एगर, कैमरून ग्रीन। तो स्टाइनिस हैं, ये भी मध्यम गति की तेज गेंदबाजी करते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।